हेलो व्यूवर्स, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ में कॉलेज एडमिशन्स 10 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं और 18 को क्लोज़ भी हो जा रहे हैं। यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 और 18 के बीच में भरना है। तो इतनी जल्दी जल्दी आपको फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट भी कर देना है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स तब बढ़ जाएंगी अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ना रहे तो। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक और अकाउंट नंबर, तो बैंक नेम और अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड। तो आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसमें आपको आपके अपने नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसका आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड ध्यान रखिएगा, कुछ बैंक्स दूसरे बैंक्स में मर्ज हो गए हैं, मर्ज होने से उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है, तो आपको एक बार अपने बैंक में जाकर पता कर लेना है कि आईएफएससी कोड पुराने वाला ही है या फिर चेंज हो गया। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट्स या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने हैं, तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, +2 की DMC, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी या बोर्ड DMC ऑफ लोअर एग्जामिनेशन। मतलब कहने का ये है कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उससे लोअर वाला, जैसे एग्जांपल आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए कम से कम 12th तक की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन आप तभी कर सकते हैं जब आपने 12th या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हो। तो ये होता है लोअर एग्जामिनेशन का मतलब। करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको रेडी रखना है। और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको गैजेटेड ऑफिसर से जो है बनवा लेना है, और इसका प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि किस तरह का, प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि वो करेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो मैं आपको शो कर दूंगा वीडियो के एंड में। उसके अलावा देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन कैटेगरी चाहते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपके अपने नाम का, पेरेंट्स के नाम का नहीं। तो ये देखिए कुछ कैटेगरीज हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं इनमें से किसी भी कैटेगरी से, तो आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपके नाम पर। और इसके अलावा देखिए अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू या रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू होना चाहिए, चाहे आप यूटी पूल से बिलोंग करते हैं या फिर जनरल पूल से बिलोंग करते हैं। यूटी पूल और जनरल पूल में क्या डिफरेंस है इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द लास्ट कोर्स पास्ड बाय द एप्लीकेंट। ये वही बात हो गई कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उससे लोअर कोर्स जो आपने किया है उसका सर्टिफिकेट अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर आपके एप्लीकेंट के, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है, और पेरेंट या गार्डियन के भी, तो इनके सिग्नेचर वगैरह लेके आप अपने पेरेंट के फ़ोटो वगैरह क्लिक करके उनको 50 KB के आसपास आपको उसको रख लेना है। और जो ऊपर वाले सर्टिफिकेट्स मैंने बताए वो सारे PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, और इनको PDF फॉर्मेट या फिर 50 KB के अंदर कैसे लाना है, कैसे स्कैन करना है, उसकी वीडियो भी बन चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स गैप कर चुके हैं, गैप करने का मतलब क्या है, आपने +2 इस साल पास नहीं किए, पिछले साल पास किए हैं और किसी वजह से आप कॉलेज में एडमिशन ले नहीं पाए, तो आपका एक साल का गैप हो गया या 2 साल का गैप भी हो सकता है, तो इस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और 2 एफिडेविट्स आपको बनवाने हैं ओरिजिनल फॉर्म में, और उन्हीं की फ़ोटो स्कैन करके अपलोड भी करनी है। ये बात ध्यान रखिए, जिनका भी गैप है उनको 2 एफिडेविट्स बनवा लेने हैं, और उसका स्पेसिमेन किस तरह का वो एफिडेविट होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में वो भी गिवन है, वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गैप के लिए एफिडेविट आपको बनवाना है अगर आपका गैप ईयर है तो।
तो ये आप देख सकते हैं जो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया गया है, उस प्रोस्पेक्टस में गैप ईयर का सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन दिया गया है, तो उस प्रोस्पेक्टस में जाकर आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह का आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो शेड्यूल्ड कास्ट या मतलब हर एक का स्पेसिमेन दिया हुआ है आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आपको बस प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो बन चुकी है, वो भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप प्रोस्पेक्टस को ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर सर्च पर जाएंगे आप और यहाँ पे जिसका भी स्पेसिमेन आपको देखना है, गैप ईयर सर्टिफिकेट या फिर कोई भी, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप टाइप करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, देखिए लास्ट में आपको स्पेसिमेन मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ये देखिए। तो इस तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपको स्कूल से इशू हो जाता है फिर तो आपको बनवाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। और आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स 10 तारीख से पहले पहले या 10 तारीख को भी बनवाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले से आप सब कुछ रेडी रखें ताकि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए और आप समय रहते जो है सारा काम पूरा कर सकें।